सो है गाइस, फ्राइडे का दिन थोड़ा सा प्रीमियम ड्राई डे रहेगा। उतना कुछ ज़्यादा मोमेंटम हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, बट एक पुट साइड में पोजीशन तो मैंने ले लिया है। देखिए, मैंने बहुत बार आपको बताया है कि चार्ट रिपीट जो होता है, मतलब वो दिखाता मार्केट कुछ और है और करता कुछ और है। मतलब ये सेम चार्ट ना, आप एक मिनट थर्सडे के चार्ट पे चलिए। देखिए, एक पिन बार टाइप कैंडल है, देखिए पिन बार टाइप कैंडल है, रिट्रेस करता है और ऊपर जाता है। तो आज क्या साइकोलॉजी रहेगी? देखिए, आज भी पिन बार कैंडल है, रिट्रेस किया है और मार्केट ऊपर जाने के चांसेस सबको लग रहे हैं। बट ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। देखिए, मैंने आपको बहुत बार मेरे लाइव ट्रेडिंग वीडियोस में बताया है कि मतलब ये साइकोलॉजी को समझिए, मार्केट आपको कैसे मतलब अपने ट्रैप में फंसाता है। तो यहाँ पर जो हमारा एक्सपेक्टेशंस है वो तो पुट साइड में है और 500 के अराउंड में कुछ लॉस चल रहा है। देखिए, रीलोड कर लेते एक बार चार्ट इंटरफेस। हाँ, 500 के अराउंड लॉस चल रहा है। देखिए यार, एम स्टॉक में बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं, थोड़ा सा ब्रोकर भी चेंज करना ही पड़ेगा अभी। एंड आपको हमेशा जब भी ऐसा कुछ रिपीटेशन दिखता है, हाँ, एंड रिपीटेशन, आप बोलोगे 2 दिन पहले ये चार्ट रिपीट हुआ था, वो आज रिपीट नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, वेडनेसडे का चार्ट फ्राइडे को रिपीट हो सकता है, बट थर्सडे का चार्ट फ्राइडे को रिपीट नहीं हो सकता। मतलब आपको समझना पड़ेगा, बैक टू बैक डेज में अगर ये रिपीट हो रहा है तो बिल्कुल ऐसा सिनेरियो गलत बनेगा। एंड मैं बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर एक मतलब 60% चांसेस है कि मार्केट यहाँ से डे हाई को ब्रेक करके ही नीचे गिरेगा। क्यों? अब समझिए, ये जो मैंने लाइन खींचा हुआ है ना, मतलब मार्केट को इसको जैसे ही तोड़ेगा वैसे वहाँ पर बायर्स आएंगे, उनको लगेगा चार्ट रिपीट हो रहा है। क्योंकि आप देखिए, अभी फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी मैं निकाल के दिखाता हूँ, निफ्टी में कहीं ना कहीं 0.5 0.6 एरिया पे है। एंड बैंक निफ्टी भी ऐसा सीनैरियो क्रिएट कर रहा है कि मैं यहाँ से नीचे गिरूँगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सेलिंग सेंटिमेंट है, और सेलिंग सेंटिमेंट को पहले मार्केट या तो निकाल देगा या मार्केट हमारे जो व्यू है सेलिंग साइड का उसके बेसिस पर नीचे आ जाएगा। मतलब दोनों ही केस में हम लोग विन विन सिचुएशन में है, ठीक है? तो अभी तो 1000 रुपीज़ का लॉस चल रहा है। एंड देखिए, आना चाहिए इसको मोमेंटम, नीचे आएगा तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी बन जाएगा। बट एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, 40 पॉइंट्स जो आज मैं प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो उतना ही रखूँगा, 1:1। क्यों? क्योंकि देखिए, फ्राइडे का दिन उतना ज़्यादा मोमेंटम हम लोग एक्सपेक्ट करते नहीं। हाँ, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये 4 दिन थोड़े से बड़े टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट आज जो है ना, मतलब उतना सिर्फ डीके ज़्यादा होता है बट मोमेंटम उतना अच्छा होता नहीं है मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है? सो, आपको ये चीज़ों को ध्यान में रखना है। एंड यार देखिए, एक बार ट्रेड ले लिया ना तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है कि मतलब अभी क्या होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि देखिए, एक फ्रेज़ है, ओवर एनालिसिस इज़ लाइक टू लाइक पैरालिसिस। आप ओवर एनालिसिस करोगे तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा आपको मतलब पैरालिसिस टाइप लगेगा कि मतलब आप कुछ सोच नहीं पाओगे। सो, इसीलिए जो हमारा व्यू है डाउन साइड, अगर वो आता है तो ठीक है, नहीं आता तो हम लोग SL देकर आज मार्केट को यहीं पे क्लोज कर देंगे, ठीक है? ज़्यादा कुछ सोचेंगे नहीं, ओवर ट्रेड करेंगे नहीं। लास्ट 2 ट्रेडिंग डेज हमारे लाइव ट्रेडिंग मैंने डाला हुआ है, उसमें कुछ अच्छे गए नहीं है। सो, ठीक है, आना चाहिए मार्केट को। एंड मैं करता हूँ।
फॉल मैन, वाटरफॉल। देखिए यार, यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सुबह से ही। मैंने आपको बताया भी था 1900 के अराउंड या 2000 रुपीज़ के अराउंड में हम लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। एंड देखिए, मार्केट ने वैसा ही दिया, टारगेट तो दिया ही, और पिन पॉइंट हमारे लेवल से मार्केट रिवर्स होने के चांसेस है। ठीक है, सो हम लोग फटाफट से अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। एंड गाइज, इसी बात पर लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए यार ट्रेडिंग जैक को। ठीक है, एंड चलो, यहाँ पर ज़्यादा रुकने का तो मुझे कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं है, क्योंकि देखिए क्लोजिंग पर आ चुका है मार्केट। एंड क्लोजिंग से अभी हो सकता है एक रिटेस्ट करके ऊपर जाए या फिर थोड़ा सा ऊपर जाके फॉल करे, दोनों ही केसेस में हम लोग देख लेंगे। बट जैसा एनालिसिस किए थे उस हिसाब से ही मार्केट ने मूव किया, तो यार इससे बड़ा मोटिवेशन मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता। मेरे एनालिसिस पे मुझे भरोसा था, इसलिए मैं ट्रेड को इतना होल्ड कर पाया। ठीक है, सो यार ऐसे ही आपको एनालिसिस पे बस एक बार ट्रस्ट करके देखिए। देखिए, हो सकता है आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो, कुछ भी हो, बट जब आपका टारगेट हिट होगा ना, आपका एक कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का होगा। सो कोई नहीं, हम लोग यही अपने नॉलेज को हमेशा बैक करते, और इसी लिए यार हम थोड़ा सा यूनिक है यूट्यूब पर। एंड प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, तो मैं प्रॉफिट बुक कर लिया। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।